हालेलुया हालेलुया। सो आज हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में से देखते हैं उपवास के बारे में कि उपवास हानि को लाभ में बदल देता है। हालेलुया। उपवास हानि को लाभ में बदल देता है। उपवास से शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदल जाता है। एस्तर की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 22 वचन में लिखा है, शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदल गया। यानी कि उपवास रखने से शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदल जाता है। उपवास हानि को लाभ में बदल देता है। हालेलुया। तो इसलिए उपवास रखें, व्रत रखें। आप कुछ लोग व्रत कहते हैं, उपवास रखिए। और आए हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखते हैं एस्तर की पुस्तक में, एस्तर 3 अध्याय और उसका 13 वचन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर एक राजा है और उस राजे का सबसे बड़ा जो मंत्री है हमान उसका नाम है वो है, और दूसरी तरफ एक मर्द के है जो यहूदी है यानी कि परमेश्वर का व्यक्ति है, और उसने एक बेटी करके जिसे पाला था उसका नाम था एस्तर। और परमेश्वर ने उस गरीब को एस्तर को महारानी बना दिया। मैं उस घटना में नहीं जाना चाह रहा जब उसे महारानी बनाया, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया कि वो महारानी बन गई। लेकिन जो राजा का बड़ा मंत्री था हमान, वो परमेश्वर के लोगों का बैरी था। 3:10 वचन में लिखा है, तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतार कर अगागे हमदाता के पुत्र हमान को जो यहूदियों का बैरी था दे दी। यानी कि वो यहूदियों का परमेश्वर के लोगों का बैरी था, दुश्मन था। तो उसने ऐसा किया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जितने भी यहूदी हैं, जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, सबको एक ही दिन मार दिया जाए। उसने ऐसी योजना बनाकर चिट्ठियां लिखी, सब जगह पर चिट्ठियां लिखकर भेजी, अपनी मोहर लगाकर, जो राजा की अंगूठी थी उसकी मोहर लगाकर कि इस दिन सब लोगों को जो यहूदी हैं मार दिया जाए, उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। आए हम एक वचन पढ़ते हैं एस्तर 3 अध्याय उसका 12, पहले 12 वचन पढ़ेंगे और फिर 13 वचन। यो उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और हमान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा अक्षय के नाम से लिखी गई और उसमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। यहां पर देखते हम लोग, उसने जो दुश्मन था, विरोधी था परमेश्वर के लोगों का, सब जगह उसने चिट्ठियां पहुंचा दी, सब जगह चिट्ठियां पहुंचा दी के 12वें महीने के 13वें दिन को, यहूदियों का जो महीना अदार
बारहवें महीने के तेरहवें दिन को सब जो परमेश्वर के लोग हैं जवान मार दिए जाएं, बूढ़े मार दिए जाएं, स्त्रियां और बच्चे सब मार दिए जाएं, नष्ट किए जाएं, उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। इतना बड़ा राजे की आज्ञा निकली। आज की तरह नहीं है लोकतंत्र भी कोई प्रधानमंत्री आज्ञा दे देगा और वो लागू हो जाएगी, क्योंकि अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन उस समय जो राजा का ऑर्डर हो गया हो गया। तो जैसे इन लोगों को पता चला, चार अध्याय और उसका तीन वचन, एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। हालेलुया। जब इन्हें पता चला एक एक प्रांत में, क्योंकि बहुत बाइबल में हिंदुस्तान का शब्द यहां पर ही आया है, एस्तर की पुस्तक में 127 प्रांतों का ये जो था राज्य था, यहां का ये राजा था अक्षरय, हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था वो। सब प्रांतों में जब पता चला तो एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और निजम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरना बतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। अपने सिर में राख डाली, कपड़ों में राख डाली, टाट पहन लिया, सब रोने पीटने लगे कि अब बारहवें महीने के तेरहवें दिन को हम मारे जाएंगे घर के अंदर। सब तो एकदम तो नहीं मरेंगे, घर के अंदर शायद पहले बच्चों को मारेंगे और मां बाप कैसे उन्हें देखेगा, औरतों को मारेंगे कैसे वो देखेंगे, पत्नी को, बच्चों को, बेटियों को, बेटों को मारेंगे, फिर बूढ़ों को मारेंगे तो बेटा बेटी कैसे देखेंगे जब उसके मां को और बाप को मार रहे हैं। तो फिर सबको जब मारना, नाश करना, उन्होंने मेहनत करके जो धन इकट्ठा किया, संपत्ति इकट्ठा की, पशु और बिल्डिंग बनाई, सब कुछ को सोना बनाया, चांदी थी उनकी, जो कुछ सब कुछ लूट जाने वाला था, सत्यानाश होने वाला था, यानी कि उनका वंश ही खत्म होने वाला था। ऐसी बड़ी आज्ञा राजा ने दे दी। तब वो रोने लगे, पीटने लगे, चिल्लाने लगे और दुहाई देने लगे। तब 16 वचन पढ़ना, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। 15 वचन, तब एस्तर ने मोदके के पास ये कहला भेजा। हाँ, तो एस्तर ने, जब एस्तर तक भी ये खबर पहुंची, एस्तर ने क्या किया, कहा कि सब यहूदी क्या करें, 3 दिन और 3 रात उपवास करें, ना कुछ खाएं और ना कुछ पिए। बाइबल के अनुसार जो उपवास होता है, ना कुछ खाएं और ना कुछ पिए। पूरी बाइबल में जब हम लोग देखते हैं, ना कुछ खाएं ना कुछ पिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं ऐसा रख सकते तो पानी पी लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं रह सकते तो 1-2 बार चाय पी लेते हैं, लेकिन बाइबल में ना कुछ खाएं और ना कुछ पिए। तो उन्होंने संदेशा दिया कि सब लोगों को भी 3 दिन उपवास रखें, ना कुछ खाएं और ना कुछ पिए। मैं भी उपवास रखूंगी और फिर अगला कदम मैं उठाऊंगी। तब 5 अध्याय और 14 वचन पढ़ना, उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्दके लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। तो दूसरी तरफ
जो दुश्मन था वो अपनी तैयारी कर रहा था, जो दुश्मन हमान मंत्री था उसने अपने घर में ही 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा बनाया, खंभा बनाया कि जो यहूदियों का परमेश्वर के लोगों का जो मुखिया था मर्दर के उसको उस पर लटकाया जाए। तो सारी योजना बना ली रात को उन्होंने भी कल क्या करेंगे उसे उस खंभे पर लटका देंगे। रात को योजना सुबह इसको इसी खंभे पर लटका देंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उधर उन्होंने उपवास रख लिए। जब उपवास रखकर वो प्रार्थना कर रहे हैं तो 7:9-10 पढ़ना, तो क्या किया परमेश्वर ने एकदम सारी योजना पलट दी। हालेलुया हालेलुया, सब कुछ पलट दिया परमेश्वर ने, योजना पलट दी, सब कुछ बदल दिया। उपवास रखकर वो जब राजा के पास गई और उसे सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा है, मेरे लोग जो है वो मारे जाने के लिए ये बात हो गई है, तब क्योंकि राजे को भी उसने पता नहीं चलने दिया, राजे को कहा तो सही, राजे को भड़काया उसने, राजे को गलत कहा भी ये लोग ऐसे हैं, राजा की आज्ञा नहीं मानते, ये सारे सब थोड़े से लोग हैं, इनको सबको मार दिया जाए। राजे ने अंगूठी दे दी, अच्छा ठीक है जैसे तुझे अच्छा लगे वो कर। लेकिन जब एस्तर ने जाकर उपवास रखे हुए थे, एस्तर ने जाकर उससे बात की, तब राजा ने क्या कहा, पहले तो इसे लटकाओ फांसी पर, जो मंत्री था हमान। किसी ने कहा इसने अपने घर में खंभा बना रखा है फांसी का मर्दके को लटकाने के लिए। राजा ने कहा उसी पे लटका दो। 7 और उसका जब हम लोग 9 में पढ़ते हैं, तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नाम के ने राजा से कहा, हमान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा खड़ा है जो उसने मर्दके के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा उसको उसी पर लटका दो। तब हमान उसी खंभे पर जो उसने मर्दके के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। हालेलुया। सबसे बड़ा दुश्मन उसी खंभे पर फांसी पर लटका दिया गया जिस पर वो परमेश्वर के लोगों का जो अगुआ था उसको लटकाना चाह रहा था। अपने ही जाल में वो फंसा, अपनी ही बातों में फंसा। बाद में उसके सारे पुत्र जो थे, सारे पुत्र उसके फांसी पर लटका दिए गए थे। 9 में ही लिखा हुआ है उसके पुत्र फांसी पर लटका दिए गए, पूरा घर और उसी का सारा घर जो था वो मर्दके को दे दिया गया था। हालेलुया। तब अब सब जगह पर तो पत्थर पहुंच चुके थे, आज की तरह तो नहीं था भी फोन करेंगे और फोन सब जगह पहुंच जाएगा फटाफट। वो तो तैयारी में थे कि 12वें महीने 13वें तारीख को ये सब कुछ लूटेंगे, इन सबको मारेंगे, इनका नाश करेंगे, इनका सत्यानाश करेंगे, कोई राजा का ऑर्डर है हमारे पास। लेकिन जब उन्होंने उपवास रखे तो सब कुछ परमेश्वर ने बदल कर रख दिया। राजा ने यह आज्ञा नहीं दी कि इन्हें कोई भी ना मारे, यह आज्ञा नहीं दी भी मैं आज्ञा निकालता हूं परमेश्वर के लोगों को यानी कि यहूदियों का कोई भी नुकसान ना करे, ऐसी आज्ञा नहीं दी। बल्कि यह आज्ञा दी कि मेरे जो परमेश्वर के लोग हैं वो अपने दुश्मनों का नाश करें, दुश्मनों का नाश करें। एस्तर 8:9 9-14 तक पढ़ेंगे हम लोग। उसी समय अर्थात सिवान नामक तीसरे महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस जिस बात की आज्ञा मर्दके ने उन्हें दी थी उसे यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कूश तक जो 127 प्रांत हैं उन सबों के अधिपतियों और हाकिमों को
एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। मोर्दकै ने राजा अक्षय के नाम से चिट्ठियां लिखवाकर और उन पर राजा की अंगूठी की छाप लगवाकर वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों और सांडनियों पर सवार हरकारों के हाथ भेज दी। हालेलुया। दोबारा जब लिखी गई भी इनकी कोई हानि ना हो, इनकी कोई भी हानि ना करे, बल्कि ये अपने दुश्मनों से बदला ले सकें, वहां लिखा वेग से चलने वाले सरकारी घोड़े। पहले तो आम घोड़े जा रहे थे, खच्चर और सब संदेशा लेकर जा रहे थे, लेकिन बहुत स्पीड से चलने वालों के द्वारा वो संदेश भेजा ताकि उस दिन से पहले पहले उनके पास वो संदेश पहुंच जाए और लोग शांति पाए। हालेलुया। इन चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हों और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति या प्रांत के लोग अन्याय करके उनको या उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहे उनको घात और नष्ट करें और उनकी धन संपत्ति लूट ले। और ये राजा अक्षर के सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, उसी दिन को 12वें महीने के 13वें दिन ये किया जाए, उनके बाल बच्चे स्त्रियां दुश्मनों के सब मार दिए जाएं और उनका धन संपत्ति सब लूट लिया जाए जो तैयारी कर रहे थे भी। हाँ भी 12वें महीने के 13 तारीख को देखना तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अब तो राजा की चिट्ठी निकल गई, वो कैसे उन्होंने दिन निकाले होंगे, जितने दिन तक ये बात उनके तक नहीं पहुंची, कैसे वो रोते होंगे, कैसे वो सो पाते होंगे, कैसे वो खाना खा रहे होंगे। सब लोग सब कुछ रो रहे थे, पीट रहे थे, खाना भूल चुका था, अपने बच्चों के चेहरों की ओर देखते थे भी ये बच्चों को वो मार देंगे, क्योंकि राजा की आज्ञा निकली है, ये तो मार दिए जाएंगे, ये तो सब नष्ट हो जाएगा। जिनके 2 साल का बच्चे थे, 1 साल के बच्चे थे, जिनके अभी बच्चे जवान हुए थे, जिनकी अभी शादी हुई थी, ये सब मार दिए जाएंगे, ये सब नष्ट हो जाएंगे, हमारा सबको लूट लिया जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। वो लोग रो रहे थे, पीट रहे थे, चिल्ला रहे थे, यहोवा की दुहाई दे रहे थे। और फिर एस्तर के कहने पे 3 दिन और 3 रात का उपवास रख रहे थे। हालेलुया। उपवास रखते ही जो हानि थी वो लाभ में बदल गई। राजा ने कहा इन दुश्मनों को तुम मारो, इनका सत्यानाश करो जो परमेश्वर के लोगों के दुश्मन हैं, और इनका सब कुछ लूट लो। हालांकि उन्होंने परमेश्वर के लोगों ने मारा तो सही लेकिन लूटा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ हमान का घर जो था वो मोर्दकै को दिया गया था, बाकी इन्होंने लूटा नहीं। और आगे चल के जब पढ़ते हैं वहां लिखा है अपने बैरियों में से 75,000 मनुष्यों को घात करके अपने शत्रुओं से विश्राम पाया परंतु धन को ना लूटा। 16 वचन में लिखा है, 9:16 में। सो ऐसा करके ये सब हुआ। फिर एस्तर ने कहा नहीं, एक दिन और, और ऐसा ही हुआ। हालेलुया। ये दुश्मनों को मारते रहे। जो दुश्मन तैयार थे इन्हें मारने के लिए वो। हालेलुया। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने सब कुछ बदल कर रख दिया, इसलिए शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदल गया। लोग खुशियां मनाने लगे, एक दूसरे घर भोजन सामग्री भेजने लगे और आनंद मनाने लगे। हालेलुया। जब उपवास रखकर ये प्रार्थना कर रहे हैं तो सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। आपके हालातों को भी परमेश्वर बदल सकते हैं। आपका दुश्मन भी जो इस तैयारी में है कि वो आपको मारेगा, आपका दुश्मन जो इस ताक में है कि वो आपको मारे, आपका दुश्मन आपका नाश करना चाहता है, आपका दुश्मन आपकी पत्नी का, आपकी माँ का या आपके पिता का, आपके परिवार का नाश करना चाहता है, आपका दुश्मन आपके बच्चों का नाश करना चाहता है, और वो तैयारी में है, वो दिन रखा हुआ होता है, इस दिन में ये हानि करूंगा इनकी, इस दिन इनकी धन संपत्ति लूटूंगा। आपका दुश्मन शैतान आपका
धन संपत्ति लूटना चाहता है, आपका घर लूटना चाहता है, लोगों के घर बिका देता है, लोगों की दुकानें बिका देता है, सोना चांदी बिका देता है, सड़क पे ले आता है, रोड पर ले आता है, नाश करता है बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, दुश्मन। लेकिन जब आप उपवास रखकर प्रभु के चरणों में बैठकर विनती करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को हलीम करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, तो दुश्मन मारा जाता है। आपकी हानि नहीं होती बल्कि दुश्मन की हानि होती है, और उपवास से हानि जो होती है वो भी लाभ में बदल जाती है। हालेलुया। सदा के लिए वो लोग दब गए। मैंने पढ़ा नहीं बीच में, बहुत से लोग यहूदी बन गए थे, बहुत से लोग तो परमेश्वर के लोग बन गए ताकि वो बच सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर के लोगों, ये नहीं मैं कहता कि जब शैतान आपको मारना चाह रहा है उसी समय आप उपवास रखें। शैतान की योजना आपके लिए हमेशा आपके हानि की है। यूहन्ना 10:10 कहता है, शैतान किसी और काम के लिए नहीं बल्कि नाश करने, घात करने के लिए आता है, पर विश्व कहते मैं इसलिए आया कि ये लोग जीवन पाए बल्कि बहुतायत से जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के लोगों, आप इस इंतजार में ना रहें कि कब कोई हानि होने लगे हो तो फिर उपवास रखें, बल्कि परमेश्वर के साथ संगति के लिए उपवास रखें। मैं ज्यादातर, तो ज्यादा से ज्यादातर जो उपवास रखता हूं, परमेश्वर के साथ संगति को और अधिक गहरा करने के लिए उपवास रखता हूं। प्रभु जी, आज मैंने उपवास रखा है, आज मैं तेरे साथ संगति में रहूंगा, आज और अधिक तुझसे प्रेम करूंगा, आज और अधिक उन बातों की ओर ध्यान दूंगा जो मुझे अभी छोड़नी है, जो आपके वचन के खिलाफ है, जहां उन बातों की ओर ध्यान दूंगा जो आपके वचन के अनुसार हैं, जो मुझे अभी करनी है, पूरी करनी है। हालेलुया। दूसरा इतिहास 12:6-7 में लिखा है, कई बार जब हम बुराई करते हैं, कई बार जब हम पाप करते हैं, कई बार हम लोग जब आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो फिर भी क्या होता है, परमेश्वर का क्रोध हम पर आ जाता है। यहां हम लोग देख रहे थे कि दुश्मन जो शैतान है उसने योजना बनाई थी हानि की, लेकिन कई बार जब आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते तो परमेश्वर भी क्या करते हैं, सजा देने के बारे में सोच लेते हैं, ठीक है इसको मैं सुधारता हूं, सजा देने के बारे में सोचते हैं। मैं आपको वचन बताता हूं, दूसरा इतिहास 12:6-7 और 12 तब इज़राइल के हाकम और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है। तब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का यह वचन शमिया के पास पहुंचा, वो दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट ना करूंगा। जब रहुबियाम दीन हुआ तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया। हालेलुया। तो पहले हम लोग ये देख रहे थे कि दुश्मन हमान ने कैसी योजना बनाई थी परमेश्वर के लोगों का नाश करने के लिए, परमेश्वर के लोगों की हानि करने के लिए। दो ही बातें होती हैं, एक तो शैतान हमारी हानि करने के लिए तैयार होता है, लेकिन बाइबल में हम लोग परमेश्वर के स्वभाव को देखते हैं। जब हम परमेश्वर बार बार समझाते हैं हम लोग नहीं समझते, परमेश्वर समझाते हैं हम लोग नहीं समझते, परमेश्वर समझाते हैं हम लोग नहीं समझते, परमेश्वर कहते ठीक है अब मैं बताता हूं इसे, और परमेश्वर गुस्से में क्या सोचते हैं, ठीक है ना मैं सजा ही देता हूं। लेकिन अगर उस समय लोग उपवास रखें, अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें, तो परमेश्वर क्षमा कर देते हैं। यहां साफ लिखा है, तब इज़राइल के हाकम और राजा दीन हो गए, क्योंकि परमेश्वर कहा था मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और कहने लगे यहोवा धर्मी है, यहोवा ही है सब कुछ, वो इस परमेश्वर ही सब कुछ है। तब परमेश्वर ने अपने दास नबी से कहा, शमिया से कहा,
वे तीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट ना करूंगा। हालेलुया। सब लिखा वो दीन हो गए मैं अब नष्ट नहीं करूंगा, वो उपवास रखा है वो दीन हो गए मैं उन्हें नष्ट ना करूंगा। जब रहुबियाम दीन हुआ तब परमेश्वर का क्रोध उस पर से उतर गया। हालेलुया। तो जब उपवास रखते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को हलीम करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, तो जो परमेश्वर की ओर से भी कई बार गुस्सा होता परमेश्वर का, परमेश्वर भी कहते मैं इसे सजा देता हूं, मैं सुधारता हूं इसे, तो वो भी परमेश्वर का जी भी ठंडा हो जाता है, परमेश्वर से छोड़ देते हैं। परमेश्वर कहते हैं अच्छा ठीक है, मेरी जलजलाहट इन पर नहीं भड़केगी, परमेश्वर से छोड़ देते हैं। हालेलुया। तो इसलिए बीच बीच में आप उपवास रखते रहा करें, परमेश्वर अपने आप को दीन किया करें और परमेश्वर से क्षमा मांगा करें। अगर आपने उपवास रखा है और अपने आप को दीन नहीं किया, देखो मैंने 40 उपवास रखे, मैंने ये व्रत रखे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करते। अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें। जब योना नबी को आप जानते हैं, योना की पुस्तक 3:4-10 तक जब हम लोग पढ़ते हैं, क्या हुआ था? नीनवे नगर में 120,000 लोग रहते थे, ठीक है। तो परमेश्वर ने कहा योना से, तू जा उनको बोल जाकर कि मैं नीनवे को उल्ट दूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पाप में बढ़ गए हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तब 3:2 से हम लोग पढ़ते हैं। हाँ पढ़ना। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बाद में तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया और निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वे 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। परमेश्वर ने क्या संदेश दिया कि निनवे शहर 120,000 लोग उसमें रहते थे। इसके जब आखिरी आयत आप पढ़ते हैं, आखर के योना की आखिरी आयत, वहां लिखा है फिर ये बड़ा नगर नीनवे जिसमें 120,000 से अधिक मनुष्य हैं और घरेलू पशु हैं भी थे वहां पर। तो जैसे ही उसने प्रचार किया कि 40 दिन के बाद नीनवे उल्ट दिया जाएगा, यानी कि नष्ट कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा, सदोम और अमोरा की तरह, जैसे सदोम और अमोरा नष्ट किए गए थे, नष्ट कर दिया जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हाँ, सब लोग टाट ओढ़ लिया, राख में बैठ गए, सिर पर राख डाल रही, उपवास का प्रचार किया, सब बड़े से लेकर छोटे तक सब उपवास करने लग गए और दीन हो गए कि प्रभु जी हमें माफ करो, परमेश्वर जी हमें माफ करो। हाँ। तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राख पर बैठ गया, सिंहासन से उठकर राख पर बैठ गया, अपने आप को दीन कर लिया, अपने राजकीय वस्त्र उतार लिए और टाट पहन लिया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। यहाँ फिर लिखा वही बात,
मनुष्य और पशु ना तो कोई खाए और ना कुछ पानी पिए। राजा ने सब जगह सबको बोल दिया, पशु हो चाहे मनुष्य हो, कोई भी ना कुछ खाए ना पिए, सब लोग व्रत रखो, टाट पहन लो, राख पे बैठो और अपने आप को दीन करो। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करें, सब टाट पहन लें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। हालेलुया। सबको आज्ञा दी राजा ने, सब लोग, राजा हो चाहे भिखारी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब लोग उपवास करें, सिंहासन से उठकर अपने जाज के वस्त्र उतारें, टाट पहने, बोरी पहने, टाट पहने, राख में बैठें, अपने पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें, ऊंची ऊंची बोलकर परमेश्वर की दुहाई दें कि परमेश्वर हमें क्षमा करो, दीन करें अपने आप को, दया मांगे परमेश्वर की। और तब जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उसकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हालेलुया। जो हानि करने की ठानी थी परमेश्वर ने, इनको मैं सबक सिखाता हूं, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर का नहीं नहीं छोड़ो, इनका मन बदल गया है, ये उपवास रख के बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने आप को दीन किया है, ये कुमार्ग से फिर रहे हैं, ये बुराई से फिर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अब मैंने जीवन देता हूं। हालेलुया। नींद में उल्ट दिया जाता, नींद में नष्ट किया जाता, नींद में के लड़के लड़कियां, बेटे बेटियां, बूढ़े जवान, स्त्रियां, बच्चे, पशु सब मारे जाते परमेश्वर के क्रोध में। लेकिन जब वो उपवास रह के वो अपने आप को दीन कर रहे हैं, हलीम कर रहे हैं, नम्र बन रहे हैं, परमेश्वर कहा चलो छोड़ो, ये बदल गए हैं, मैंने आशीष देता हूं। हालेलुया। और दूसरी तरफ सदोम और अमोरा में, सदोम और अमोरा जो दो देश थे, मैं वहां गया हूं, आज भी वहां पर घास भी नहीं उगती, हजारों सालों के बाद भी घास नहीं उगती। परमेश्वर ने वहां लिखा है कि सदोम और अमोरा की उत्पत्ति में, सदोम और अमोरा की जो चिल्लाहट है मेरे तक पहुंची है, इतने वो पाप कर रहे थे, इतने वो पापी हो गए थे, तो परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इन्हें नष्ट करूंगा। उत्पत्ति 19 अध्याय में परमेश्वर कहते मैं इन्हें नष्ट करूंगा, और उत्पत्ति 18 अध्याय 20 वचन लिखा है, फिर यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसे चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब परमेश्वर ने दूतों को भेजा, जब देखा उन्नीस अध्याय में, तो उन्होंने वहां के लोगों ने उन दूतों के साथ ही पाप करने की चेष्टा की, वो पाप से नहीं हटे, उन्होंने व्रत नहीं रखा, मन नहीं फिराया, पाप में लगे रहे। तब क्या हुआ, उत्पत्ति 19 अध्याय 23 वचन, लूत के स्वर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज में नष्ट कर दिया। हालेलुया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई, अभी भी वहां पर एक नमक का खंभा है जिसे कहते हैं कि यह लूत की पत्नी है, और जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो वो जीवित होगी, ऐसा मानते हैं, मैं भी वहां पर गया हूं। तो वहां पर क्या हुआ,
आकाश से परमेश्वर को गुस्सा आया और गंधक वहां पर गिरी, आग और गंधक सब नष्ट कर दिया, सब नष्ट, क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया। तो इसलिए अपने लिए सब कुछ पवित्र वचन में लिखा हुआ है, आपकी हर बात का उत्तर बाइबल में है। परमेश्वर का स्वभाव आपको समझना है तो बाइबल में समझिए, आपको कौन सा कदम उठाना है, कौन सा कदम पीछे खींचना है, पवित्र वचन में से सीखिए। वहां पर हम देखते हैं जब वो उपवास रखा तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर कहा छोड़ो परे, कोई बात नहीं, नीनवे को बख्श दिया। और यहां पर इन्होंने पश्चाताप नहीं किया, ना व्रत रखा, ना दीन हुए, परमेश्वर ने जला दिया, राख कर दिया, नष्ट कर दिया। और वहां अगर दुश्मन कुछ कर रहा है कोई भी, तो जब वो उपवास रखे, वो दीन हुए, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने वहां पर भी उन्हें छुटकारा दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर के लोगों उपवास रखें, प्रार्थना, अपने आप को दीन करें, नम्र करें, नम्र करें, दीन हो, हलीम हो, जितना ज्यादा हो सके परमेश्वर के साथ ज्यादा संगति में रहें, ताकि परमेश्वर शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदल दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहें, प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करें। हालेलुया।